हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये प्रैक्टिकल वीडियो डाल पा रहा हूँ चैनल पे, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था, माफ़ कीजिएगा। बट इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंडेंसर फैन मोटर की जो बैरिंग्स होती हैं उनको चेंज किया जाता है बिना मोटर को सिस्टम से बाहर निकाले। जी हाँ, बिना मोटर को सिस्टम से बाहर निकाले। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होगा। बट उससे पहले एक छोटी सी शिकायत है आपसे। अभी भी 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी तरफ से मुझे फीडबैक मिलता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से पहले इस कंडेंसर फैन का जो ऊपर का कवर है उसको खोल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको वीडियो में। तो दोस्तों, कंडेंसर फैन का फ़ैन कवर निकाल दिया गया है। अब इसके बाद जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि हम मोटर तक पहुंच पाएँ, क्योंकि इसकी मोटर नीचे की तरफ लगी होती है और कंडेंसर फ़ैन ऊपर की तरफ लगा होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एयर कूल चिलर्स में जो कंडेंसर फ़ैन होते हैं उनका काम होता है कंडेंसर की हीट को एटमोसफेयर में छोड़ना, यानी कि जो ये कंडेंसर फ़ैन है वो हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ छोड़ते हैं। इसीलिए इसकी जो मोटर है वो नीचे की तरफ होती है और जो फ़ैन ब्लेड है वो ऊपर की तरफ होता है, जिससे कि जो हवा है वो कंडेंसर से खींच के ये ऊपर की तरफ छोड़ पाए। तो आप में से कई लोगों को पता होगा जो मोटर होती है और उसमें बेयरिंग किस जगह पर लगी होती है। तो जो बेयरिंग्स होती हैं वो मोटर में रोटर पर लगी होती है। मोटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर जिसमें वाइंडिंग होती हैं और दूसरा होता है रोटर जो मूवमेंट करता है, जो घूमने का काम करता है, और या ये कह लीजिए जो फैन ब्लेड को घुमाने का काम करता है वो होता है रोटर, और बेयरिंग्स भी उन्हीं में लगी रहती है। तो ये नट बोल्ट निकल चुके हैं, इसके बाद ये फ़ैन ब्लेड निकालना बाकी है। तो दोस्तों, फ़ैन कवर और फ़ैन ब्लेड दोनों ही खुल चुके हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे मोटर के कवर की। जैसे कि आप सामने आप आसानी से देख पा रहे होंगे, ये है हमारी मोटर जो कि है 1200 वाट की। जी हाँ, 1200 वाट, ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं है, लगभग 1.6 HP की है, 1.5 HP की मान लीजिए, तो कोई खास ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसे मोटर को बिना बाहर निकाले हम इसकी जो बैरिंग्स है यानी कि जो रोटर है उसको बाहर निकाल लें, जिससे कि हम रोटर में लगी बैरिंग्स को आसानी से चेंज कर पाएँ और जो हमारा काम है वो ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो जो एयर कूल्ड चिलर्स होती हैं उनका डिस्चार्ज डिपेंड करता है कंडेंसर फैंस पे, यानी कि अगर कंडेंसर फैन में कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा का सीधा मतलब है उसके डिस्चार्ज पे भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कोई भी कंडेंसर फ़ैन बंद हो जाता है तो आप देखेंगे जो एयर कूल्ड चिलर्स होते हैं उसका डिस्चार्ज अपने आप बढ़ने लग जाएगा, जो कि हमारे चिलर्स में होने लग गया था, जिसकी वजह से हमको इसकी बैरिंग चेंज करनी पड़ रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब ये इसके जो नट्स हैं वो पूरी तरीके से खुल चुके हैं और कवर भी हमने निकाल दिया है। अब कोशिश है इस रोटर को बाहर निकालने की, तो बहुत सावधानी से बाहर निकालना होगा जिससे कि कोई वाइंडिंग पे कोई असर ना पड़े या वाइंडिंग कट ना जाए। तो दोस्तों, अब कोशिश है इसको निकालने की। तो धीरे धीरे आराम से छेनी की मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे और ये बाहर निकल भी चुका है। तो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है रोटर जिसके आगे पीछे बैरिंग्स लगी हुई थी, और ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये है स्टेटर जिसमें वाइंडिंग लगी हुई है। तो अब जल्दी से इनकी जो बैरिंग्स हैं यानी कि जो आगे पीछे दो बैरिंग्स लगी होती हैं रोटर पे जिससे ये घूमने का काम करता है, तो इन बैरिंग्स को बाहर निकालना पड़ेगा जिससे कि हम इस पर नई बैरिंग्स को लगा पाएँ। तो आप देख पा रहे हैं हम छेनी और हथौड़े की मदद से ये कर पा रहे हैं,
क्योंकि हम पे टूल्स ज़्यादा नहीं थे, तो सावधानी के साथ इसको करना पड़ेगा जिससे कि रोटर पे कोई चोट ना पहुँचे। तो एक बैरिंग निकल चुकी है जिसमें अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ इसका जो कवर था वो खुल चुका है और इसकी जो प्लेट थी वो कट चुकी है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रही थी या घूम नहीं पा रही थी। तो आगे का कवर अब निकाल रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे जो आगे का बैरिंग है वो पीछे के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कट लग चुका है, बीच में जो हिस्सा है प्लेट का वो निकल चुका है, जिससे कि ये घूमना या ये कह लीजिए घूम नहीं पा रहा था, रुक रुक के घूम पा रहा था, जिससे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही थी, यानी कि आवाज़ आ रही थी। तो ये बैरिंग है पीछे की तरफ की और आगे की तरफ की, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में साइज़ का, और ये आप सामने रोटर देख पा रहे हैं। हमने इसको छेनी हथौड़ी की मदद से निकाला है। ये काम करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी जिससे कोई और नुकसान ना हो पाए। तो आप सामने देख पा रहे हैं इन दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है पीछे और आगे की बैरिंग में, एक हमारा जो रोटर को घुमाने का काम करेगी और दूसरा ये समझ लीजिए फैन ब्लेड को घुमाने का काम करेगी। तो चलिए जल्दी से अब आपको नई बैरिंग दिखा देते हैं। तो ये आ चुकी है नई बैरिंग्स, अब इनको इनका जो नंबर होता है उससे पता चल जाता है। बैरिंग नंबर आप सामने देख पा रहे होंगे 6304, इस नंबर से आप बैरिंग को चेंज कर सकते हैं या ये कह लीजिए नई बैरिंग्स ला सकते हैं इसकी रिप्लेसमेंट में। तो दूसरी बैरिंग ये है, इस पे भी एक नंबर डला होगा जैसे कि 6206, ये इस बैरिंग का बैरिंग नंबर है जिससे कि आप इसको बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप डिफरेंस सामने देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से अब इसको वापस लगा देते हैं जिस तरीके से इसको निकाला गया था, पर बड़ी सावधानी से लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर कम टूल्स होते हैं तो सावधानी से और चोट ऐसी जगह लगनी चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर बैठ जाए और कोई दूसरा नुकसान ना हो पाए। तो आपको एक दो बंदे की मदद पड़ेगी, तो आप चाहे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस काम के लिए। तो धीरे धीरे एक एक जगह पे चोट मारते हुए और हमको रोटर को घुमाते रहना होगा जिससे कि जो बैरिंग है हर जगह से प्रॉपर तरीके से नीचे बैठ जाए और कोई दिक्कत ना पाए। आगे अभी भी प्रोसेस दिखाऊंगा अभी और क्या क्या करना होता है इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें बैरिंग्स चढ़ चुके हैं, अब इसको साफ भी कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर की तरफ ग्रीस लगा हुआ था जो कि साफ कर दिया गया है। अब रोटर को इसके अंदर डाल देते हैं, तो सावधानी से करना पड़ेगा जिससे कि इसकी वाइंडिंग ना कट जाए और हमें मोटर वापस बाहर ना निकालनी पड़ जाए। तो जो उसके अंदर की बैरिंग होती है ना उसको प्रॉपर बैठाना पड़ता है, उसके लिए अंदर एक केस था जिसके अंदर वो बैरिंग फिट बैठती है, तो वो हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा घुमा के भी देख लेंगे जिससे कि पता चल जाए कि ये प्रॉपर बैठी है या नहीं बैठी है, बैरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको घुमा के भी देख लिया है, प्रॉपर घूम रही है। अब जल्दी से इसकी असेंबली को पूरा कंप्लीट करते हैं एक एक करके। पहला लगेगा इसके मोटर का ऊपर का कवर, जिसके ऊपर हमारी आएगी फ़ैन ब्लेड और फैन ब्लेड के ऊपर आएगा फ़ैन का कवर। तो मोटर के अंदर के जितने भी असेंबल पार्ट थे वो असेंबल कर दिए गए हैं, रोटर लग चुका है, उसके ऊपर का कवर भी लग चुका है। अब बारी है फ़ैन ब्लेड की जो कि अब लगाया जा रहा है। आप सामने देख पा रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से बैठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कहीं घूमते वक्त इधर उधर लग तो नहीं रहा है जिससे कि और ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो। तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इसको हथौड़ा मार के इसके ऊपर से प्रॉपर बैठाना पड़ेगा जिससे कि जो बैरिंग है वो अच्छे से बैठ जाए, या ये कह लीजिए फ़ैन ब्लेड अच्छे से मोटर के ऊपर बैठ जाए क्योंकि आखिर घूमना तो फ़ैन ब्लेड को ही है, अगर ये इधर उधर लगेगा तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करेगा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, जैसे जैसे पार्ट्स को रिमूव किया गया था उसी तरीके से वापस एक एक करके इन पार्ट्स को दोबारा लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो कंडेंसर फ़ैन की असेंबली है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको घुमा के देखा जा रहा है जिससे ये पता चल जाए जो ऊपर का बैरिंग हमने लगाया था, यानी कि जो रोटर का ऊपर का हिस्से का बैरिंग था वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके बाद इसका वाशर लगेगा, वाशर के बाद आपका नट लगेगा और नट के बाद इसकी सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि ये जो नट है अगर बाय चांस ढीला हो भी जाए तो बाहर ना निकल पाए।
सेफ्टी फिन का ये काम होता है जिससे कि ये नट बाहर ना निकले और जो हमारा फ़ैन ब्लेड है वो निकल के कहीं दूसरी जगह टकरा के टूट ना जाए। तो गाइस इन सारे कामों में ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो आपने असेंबली की है यानी कि जो पार्ट्स आपने वापस निकाले हैं तो उसको वापस लगाते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एंगल टेढ़ा तो नहीं है, यानी कि जो पार्ट आपने लगाया है वो कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया जिसके वजह से कहीं मोटर हीट होके ना जल जाए, या जो फैन ब्लेड है वो कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया। अगर वो टेढ़ा हो चुका है तो वो कभी भी टकरा सकता है और टूट सकता है जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी तरीके की वीडियोस हम डालते रहते हैं इस चैनल पे। तो गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए इस चैनल पे प्रैक्टिकल वीडियो डाली जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं काम करते करते वीडियोस बनाना, आपको अगर पता ही हो, क्योंकि काम करते करते वीडियोस बनाना नामुमकिन सा हो जाता है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस डाली जाती हैं क्योंकि मुझे पता है इन वीडियोज़ का क्या मतलब है, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन वीडियोज़ की कुछ चीज़ नई सीखने के लिए, या अगर आप इस फील्ड में हैं इन चीज़ों को सीखते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके लिए ऐसी वीडियोस आती ही रहें, हमारा चैनल और ग्रो कर पाए और YouTube इन वीडियोस को और लोगों को रिकमेंड कर पाए और जो हमारी फैमिली है चैनल की वो और ज़्यादा बढ़ पाए। तो जल्दी से जाइए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे मत कीजिएगा। और आप लोगों को एक और बेनिफिट यानी कि एक और बोनस पॉइंट देके जा रहा हूँ मैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जहाँ पर मैं डायग्राम्स डालता हूँ, डेली क्यूजेज होते हैं यानी कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, डायग्राम्स डलते हैं, पीडीएफ्स डलते हैं, तो आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से तो जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जिससे कि आपको दुगना बेनिफिट हो पाए। वीडियोस तो आप देखते ही हैं तो वहाँ पर आपको और बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जितनी भी बातें अभी आपको इस वीडियो में बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आप बाद में जाके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से कर लीजिएगा। खैर बातों बातों में हम ये बताना भूल गए कि फ़ैन ब्लेड लग चुका है, इसके बाद ये कवर लग चुका है, जैसे हमने असेंबली निकाली थी सारी उसी तरीके से वापस लगा दी गई हैं। अब चेक करना बाकी है, तो हमने इसको चेक भी कर लिया है, ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो कंडेंसर फैन के ऊपर। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए कमेंट करके, क्योंकि ये आपका फीडबैक होता है मुझे कि आपको कैसी वीडियोस पसंद हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो हम मुझे पता चलता है कि वीडियोस अच्छी बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।